नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडियो। आज हम बताएंगे बेंडी सस्पेंशन सिरप के बारे में, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या फ़ायदे होते हैं, सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। यह एंटी पैरासिटिक दवाओं से संबंधित होती है जो कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जैसे वर्म हो जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा सिरप होता है। इसमें एडनाडोजोल नाम की जो मेडिसिन से मिलकर इसको बनाया जाता है। अब आने वाले इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सभी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो बात कर लेते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जो कुत्ते के कारण जो टैपवर्म होने वाले जो कुत्ते के कारण जो टैपवर्म हो जाते हैं, बच्चों को खेलते हैं, बच्चों को संपर्क में आते हैं कुत्ते, जिसके कारण टैपवर्म हो जाते हैं, बच्चों को जो कृमि हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं या गंदगी के कारण संपर्क में आते हैं, तो किसी प्रकार के छोटे छोटे जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उन कीड़ों को मारने का काम यह सिरप काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। तो यह कृमि कैसे मारता है, तो कृमियों को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं उसको ख़त्म करने का काम करता है, जिससे हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं बच्चों को वो मर जाते हैं और लेटरिन के रास्ते या लेटरिन में कीड़े निकल जाते हैं। इस प्रकार इन कीड़ों को मारने के लिए काफ़ी अच्छा बेस्ट सिरप होता है। जिसके कुछ लक्षण होते हैं, पेट में अगर बच्चे को कीड़े होते हैं तो दुबला पतला हो जाता है, कुछ खाता नहीं है, इसलिए एक कारण होते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं। अगर पेट में बच्चे हो जाते कीड़े हो जाते हैं तो उनकी ऊर्जा खत्म होने लगती है तथा काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। अगर सिरप लेते हैं बच्चे तो उस जो कृमि होते हैं उनकी एनर्जी ख़त्म करने का काम करती है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। अब इस लेने के बाद सिरप के अगर कोई आपको साइड इफेक्ट देते हैं, जैसे गले में खराश, उल्टी, चक्कर आना, लीवर एंजाइम बढ़ जाना, मछली आना, मुख में कमी, ये सभी कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। अगर लक्षण बने रहते हैं डॉक्टर को बताना चाहिए या स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी आप किस लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।